Merry Christmas! Merry Christmas! Oh, look at this! Two phones! How spoiled are you? What up, guys? Welcome back to our channel, What If Canada. And we want to say thank you so much for the 10K followers that we have on Instagram now. And it feels great when so many of you come from YouTube to Instagram and from Instagram to YouTube and send us all those lovely messages. It means a lot to us and it is a great motivation for us to keep on making such videos for all of you. So today's video is gonna be all about what we did during the Christmas week. So it's about the entire week, what we have done in and around Christmas. So let's start the video. Yeah. So first thing what we are going to do is हम लोग बहुत सारे घर देखेंगे जो कि बहुत beautifully decorate हो रखे हैं for Christmas. So what happens here in Canada is कि जो लोग बहुत time से यहाँ पे रह रहे हैं वो अपना घर बहुत अच्छे से decorate करते हैं. बहुत different aspects हैं इसके. One is they get associated with an organization and they promote donations for it. So हम जितने भी घर जाएंगे, I think all of them have some organization or the other जिसके लिए वो लोग donations collect कर रहे हैं. Last year हमने ये चीज़ नहीं की थी because हम Christmas markets में busy थे. But because this time Christmas markets कम है, I think this is a great idea. Safely घर देखते हैं, sightseeing करते हैं और थोड़ा Christmas enjoy करते हैं. So, हम पहले घर के यहाँ पर आ चुके हैं एंड इनकी थीम है डॉल हाउस के ऊपर. सो इतने सारे आपको डॉल्स दिख रहे होंगे यहाँ पे. डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. बॉब द बिल्डर है, जॉन सीना है, मिक्की माउस दिख रहा है मुझे अपने साथ में, एंड देन वी हैव सिम्पसन्स एंड वॉट नॉट. तो बहुत ही अच्छा इन्होंने डेकोरेट कर रखा है. एंड एक राउंड लेते हैं पूरा एंड देखते हैं कि क्या और कर अच्छी चीज़ें यहाँ पे. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. So अभी यहाँ पे कुछ बच्चे भी आ रखे थे एंड वो बच्चे यहाँ के बहुत डर गए बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम ये बहुत क्रीपी लग रहा है. एक्चुअली थोड़ा हॉन्टेड हाउस वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे. तो क्योंकि बहुत सारे डॉल्स हैं, क्या है कि सबके ना सिर्फ फेसेस हैं तो थोड़ा सा क्रीपी लग रहा है टू बी ऑनेस्ट. बट सही है, मतलब कितना अच्छा उन्होंने डेकोरेट कर रखा है. अगर किसी को टॉयज पसंद हैं बच्चों को तो आई थिंक ये बहुत सही लगेगा. So if you are coming here, do the sightseeing, click a lot of pictures, enjoy karo. But you can also donate for sick kids. Yes. So that so is a noble cause hai basically jo ye log kar rahe hain, and just to keep the festive spirit alive. So although times are tough, but nevertheless festivity goes on. So is way mein ye support bhi kar rahe hain, which is very good. So saying goodbye to this one and hopping on to the next. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the सब हम आए हैं दूसरे घर जो कि उतना ग्रैंड नहीं है जितना फर्स्ट वाला था, बट फिर भी अच्छा है बिकॉज जो जो एलिमेंट्स थोड़े थोड़े सब ने अपने घरों में लगा रखे होते हैं, इन्होंने वो सब कुछ लगा रखा है यहाँ पे. सो यहाँ पे इन्फ्लेटेड सेंटा है, इन्फ्लेटेड स्नोमैन है, और यही दोनों यहाँ के मेजर हाईलाइट हैं इस घर की. बहुत सारी लाइट्स हैं और एक और चीज़ है विच आई विल शो यू काम, जो कि है स्कूबी डूबी डू. इसमें सांता कुछ इंटरेस्टिंग सा है जो कि मुझे अभी अभी दिखा. सांता एकदम गिफ्ट्स पे रेनडियर के साथ है. सांता ने भी गिव अप कर दिया 2020 में मेरे को कहीं ट्रैवल करना. एक्चुअली ये पूरी स्ट्रीट पे डेकोरेशंस हो रखी हैं. एक आगे वाला घर भी है, वहाँ चल के देखते हैं वहाँ पे कैसा है. चलो. Yep. It's just gonna be you and me, hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? सो फाइनली जो मोस्ट अवेटेड घर मैं सोच रहा था जहाँ पे आना ही आना है, हम वहाँ पे आ चुके हैं. एंड ये घर है ऑल अराउंड स्नो की फीलिंग दे रहा है, जो कि यहाँ पे स्नोमैन है, पोलर बेयर है, सांता तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, रेनडियर्स हैं, एंड देन वी हैव फेरीज ऑल अराउंड. एंड इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि यहाँ पर मैंने देखी है वो है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट कर रखा है.
तो अगर आप देखोगे मेरे को इस जगह में काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। सो जिन्होंने भी ये डेकोरेट किया है उन्होंने कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एंड वो डिफरेंट प्रॉप्स यूज़ किए हुए हैं जो कि इसको और भी अच्छा बना रहे हैं। सो बेसिकली एज यू टोल्ड यू सब पूरे पूरे स्ट्रीट पे डेकोरेशन हो रखी है एंड ये इन्फ्लेटेबल सैंटा है जो कि सबसे कॉमन है बट कुछ घरों ने बहुत बड़ा लगा रखा है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइज ऑफ सैंटा। ओके सैंटा बाय। My house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, so ab hum aaye hain the wood cake house, that is the nickname that has been given to this house. So basically kya hai ki jaise sea bed hota hai us type ka inhone decoration kar rakha hai. Bahut sare shells hain jiski decoration hai, bahut zyada hard decoration hai aur uske upar thode action figures lag rahe hain. So, मुझे तो ज्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। कमेंट्स में बताओ ये कौन सा एक्शन फिगर है क्योंकि मुझे भी नहीं आईडिया। जी आई जो पता नहीं। एंड देन देयर इज अ मंकी हेयर बट यहाँ पे ना थोड़ा बग पार्क टाइप का थीम है। सो इफ़ यू सी इनसाइड शायद कैमरा में ना दिखे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी लग रही होगी बट वहाँ पे सारे बग्स हैं, थोड़े से फ्रॉग्स भी दिख रहे हैं। सो ओवरऑल डेकोरेशन में ये सब कुछ इंक्लूड किया गया है। सो वी आर एंटरिंग द पोलर ड्राइव एट टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट। So excited to see because this is Canada's first multi-level holiday drive-through. So we need to tune into Polar Radio 90.9 FM in all the cars so that jaise jaise aata rahega I think us hisab se kuch music bajega or there will be an audio. So let's see what happens. Woo! Finally entering. Time with you. Baby, this सो अभी हम LED लाइट शो से निकल के नाउ द नेक्स्ट इज विंटर वंडरलैंड। ये वाला कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे हमारे घर के बाहर होता है जब स्नो पड़ती है, उसके बाद एकदम ऐसे दिखता है। कितनी सारी लाइट्स हैं यार, कितना प्रिटी नहीं लग रहा? बहुत ज्यादा बहुत सही लग रहा है। Although festive time है and लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते but still at least इन्होंने ये drive through experience बना रखा है जिसकी वजह से लोग कुछ तो experience कर पा रहे हैं and it's really good especially during this lockdown. And guess who's here? Santa. ये सब holiday season के props हैं I would say because जहाँ भी जाओ you would see all these candy sticks, all these ornaments on Christmas tree. Stop, say hi to Santa. I think aage Santa aane wala hai. What I heard was yahan pe live Santa hai, the only human interaction wahin pe hi ho rahi hai. So there is a Santa aage. I think we are about to meet the Santa and I can say ora. Yeah. Ore. 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 Santa bade hai na yaar age mein. Merry Christmas! Merry Christmas! It's supposed to be making our Christmas memories. Oh, अब आगे क्या है? तो Grinch movie तो देखी होगी and now we have a Lamborghini and a Grinch. The Grinch who stole Christmas. Oh, someone's gonna have to go. Yeah, hi, what is it? Oh, look at this, two phones. How spoiling you. And just... तो बेसिकली सीन ये है कि ये है टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट एंड उनकी जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसको उन्होंने पोलर ड्राइव थ्रू एक्सपीरियंस में बना दिया है बिकॉज यहाँ पे अभी इतनी विंटर मार्केट्स नहीं लग पा रही हैं। सो दे वांटेड अ कोविड सेफ एक्सपीरियंस, हॉलीडे एक्सपीरियंस, सो दे थॉट ऑफ डूइंग दिस। हे, सो लुक एट
look at this beautiful lights we have here. So we are at Sweaters and Snowflake. It's a pop-up. This is the same pop-up which we came in summer, if you remember, Kiss Me pop-up, which was Toronto's first socially distant event. So we are here and really excited to see because it looks beautiful from outside. So let's go inside and see how it is. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again. To see you again. Baby, this year it's just gonna be you. हम डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट आए हैं एंड यहाँ पर आके हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फेंट लाइट हो रही है, जबकि ये जगह ऐसी है पूरे ईयर अराउंड इतनी लिट रहती है कि कभी भी आओगे पूरा टाइम ऐसे लगेगा कि फेस्टिव सीज़न हो रहा है. बट वियर्ड चीज़ ये है कि क्रिसमस ईव है आज एंड एवरी थिंग इज़ लाइक सो डल. इवन द क्रिसमस ट्री यहाँ पर अगर देखोगे तो उस पर बिल्कुल कोई भी लाइट नहीं दिख रही है, विच इज़ वेरी वियर्ड. आई डोंट नो इट्स बिकॉज आज सुबह से ही हैवी रेनफॉल हो रही है एंड अभी स्नो हो रही है, या फिर इट्स जस्ट बिकॉज कि परसों से लॉकडाउन होने वाला है यहाँ पे पूरे एंटायर प्रोविंस में, इसकी वजह से इन्होंने सब कुछ बंद कर रखा है. कुछ समझ नहीं आ रहा यार, इतना डल क्यों हो रखा है यहाँ पे, सो वियर्ड. लाइक अगर सब देखा होगा आपने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डाला है रिसेंटली डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट का. ये जगह इतनी अच्छे से डेकोरेटेड थी एक महीने से, हम खुद आए थे यहाँ एक महीने पहले और तब इतना अच्छा था. लाइक वो क्रिसमस ट्री इतना ब्यूटीफुल लगता है, बट यहाँ पे सारी लाइट्स ऑफ है. लोग आए हैं देखने बिकॉज आई थिंक एवरीबॉडी वांटेड टू एंजॉय क्रिसमस ईव. स्नो पड़ रही है, इतनी अच्छी वाइब है हमें लगा, बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. मैंने सुना दो तीन देसी लोग जा रहे थे, तो उनमें से जो लड़के थे वो कह रहे हैं अब यार ये क्या जगह का हाल हो रखा है, चल स्टोरी के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा, क्या करें. तो बेसिकली आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे लव साइन बना हुआ है एंड इसके अंदर बेसिकली लोगों ने लॉक्स लगा रखे हैं, तो ये अलग ही टाइप की डेकोरेशन है. तो उसको पास से आके देखते हैं एंड देखते हैं कितना मज़ेदार चीज़ है. गॉड, हमें तो लॉक से भर रखा है. तो यहाँ पे एक सेटअप बन रखा है जिसमें ना ऐसे बोर्ड्स है और सब ने अपना कुछ कुछ मैसेज लिख रखा है. सो एक ने वहाँ पे लिख रखा था आई मिस यू डैड एंड द एक्सपीरियंस हियर वाज ऑसम. ओके, वो यहाँ के लिए मैसेज है, मेरी क्रिसमस के मैसेजेस हैं. ओ कोई अनीता है, ये अनीता लग रहा है ना, इंडियन होगी है ना. यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसे कुछ अगर इंडियन नाम लिख जाए ना तो बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है, एकदम ऐसे लगता है अरे कोई अपना है, मतलब मैं जानती भी नहीं हूँ कौन अनीता रहती है यहाँ पे, बट ऐसे देख के ना एकदम वो फीलिंग आ जाती है अरे अनीता अपनी अनीता. तो अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो कैसे कर सकते हैं, कोई बोर्ड नहीं मिलेगा. वैसे नो आईडिया, लाइट तो जल नहीं रही क्रिसमस ट्री में, बोर्ड क्या देंगे यहाँ पे. शेरी आज बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे लाइट्स देखने नहीं मिल रही हैं बिल्कुल भी. लोग भी कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हैं बिकॉज यहाँ पर बहुत चाव के साथ आए थे लोग कि अच्छा खासा डेकोरेशन होगा. पीपल आर लिटरली डिसअपॉइंटेड. सो अभी हम घूमे हैं यहाँ पे थोड़ी देर एंड दिस इज़ व्हाट वी वर डिस्कसिंग. यहाँ पे ना क्रिसमस मार्केट लगती है, सो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो लोग अपने स्टॉल्स लगाते हैं एंड बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है. होपफुली नेक्स्ट ईयर वी विल बी एबल टू शो यू हाउ क्रिसमस मार्केट इज़ इन कैनेडा. सो दिस इज़ डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट, होपफुली नेक्स्ट ईयर वील कम. बट इफ़ यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम यू मस्ट हैव सीन आवर रीसेंट पोस्ट we did when we came here a month back. So usse aapko thoda idea ho jayega ki kitna sundar lagta hai ye jagah. But for now we'll be saying goodbye and merry christmas and a very happy new year to all of you. And if you haven't subscribed to our youtube channel, please make sure you do that because that's really helpful and that will be your christmas gift to us. Yeah, so until next time, take care of yourself, your family and stay connected. Bye bye. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.